महर्षि कर्वे श्रेष्ठ शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंग्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन के सभी शाखाओं में से चयनित 10 मेधावी छात्राओं को अनन्य कार्यक्रम के तहत कमिंग्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संपूर्ण छात्रवृत्ति एवं लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि महर्षि कर्वे श्रेष्ठ शिक्षण संस्था में 2015 से 10 मेधावी छात्राओं को कमिंग्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संपूर्ण 4 साल की छात्रवृत्ति साथ ही साथ लैपटॉप दिया जाता है, ताकि यहाँ की छात्राएं विश्व में अपने अभिभावक एवं विद्यालय का नाम रोशन कर सके, जिसका चयन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जहाँ सबसे पहले छात्रा की गुण पत्रिका जांचते हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में 60% से ज्यादा मार्क हो यह सुनिश्चित किया जाता है, और यह छात्रवृत्ति 4 साल के लिए है, जिसके अनुरूप सभी वर्षों में छात्रवृत्ति धारक को 60% गुणांक हासिल करना होता है, और लैपटॉप भी छात्रवृत्ति धारक को दिया जाता है, ताकि वह भविष्य में जॉब के लिए उचित तैयार कर सके। तो वहीं आगामी चरण में पर्सनल ऑनलाइन इंटरव्यू कमिंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिए जाते हैं, और उन्हीं में से इन 10 भाग्यशाली मेधावी छात्राओं का चयन किया जाता है, जिसके चलते इस साल भी मुख्य अतिथि मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कमिंस आशीष अग्रवाल एवं महर्षि कर्वे श्रेष्ठ शिक्षण संस्था के सचिव डॉक्टर श्रीवास शास्त्री, प्राचार्य मिलिंद खानपुरकर, अमित लिले, हेमंत अम्बाशिलकर, श्रीमंत गाड़गे, डीन अकेडमिक संजीवनी शास्त्री की उपस्थिति में 10 मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। नमस्कार, मी डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेचा सचिव म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी आहे। कमिंग्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग हा महर्षि कर्वे संस्थेतला दुसरा इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे। इंजिनिअरिंग स्टडीजमध्ये आम्ही सुरुवात केली होती 1991 साली पुण्याला, आणि मग नागपूरला 2010 पासून नागपूरला आम्ही सुरुवात केली। कमिंग्स कंपनीचं आमच्या बरोबरचं खूप चांगला पार्टनरशिप राहिलेलं आहे सुरुवातीपासूनचा। ह्या प्रकारचे अशा प्रकारचे प्रोफेशनल कोर्सेस चालवायला ज्या आर्थिक मदतही लागत असते, आणि त्या मदत बऱ्यापैकी कमिंग्स कंपनीकडून केलं जातं, त्यामुळे या कॉलेजचं नाव त्यांच्या ग्रेटफुलनेस म्हणून आम्ही त्यांना कमिंग्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग हा नाव दिलेलं आहे। कमिंग्स कॉलेज इंजिनिअरिंग बरोबरच इतर महाविद्यालय आहेत, आणि संस्थेत 74 शाखा एकूण आहेत, शाळा, कॉलेजेस, हॉस्टेल्स, आणि एक छोटा इकोसिस्टम बिल्ड करण्यामध्ये आम्ही विश्वास ठेवतो। मुलींना अर्न अँड लर्न स्कीममध्ये काम करण्याची संधी, त्यातनं त्यांना पुनर्जीविका मिळत असेल, त्यांना स्कॉलरशिप मिळत असेल, त्यांना काही आर्थिक मदत मिळत असेल, तर त्यांनी त्याच्यातला शिक्षण पूर्ण करावं त्या मदतीने, अशाही हेतूने काही गोष्टी उपक्रम आम्ही चालवतो। आणि मुलींचा सर्वात महत्त्वाचा विषय असतो की अशा प्रकारच्या लांब दूर अशा ठिकाणी मुलींच्या एज्युकेशन साठी राहण्याची सोय चांगली असणं, सिक्युअर कॅम्पस देणं आणि सेफ कॅम्पस प्रोव्हाइड करणं, हे मला वाटतं आमच्यासाठी USP म्हणता येईल। आणि त्यामुळेच महर्षि कर्वे संस्थेमध्ये अनेक विद्यार्थिनी गेल्या 127 वर्ष आम्ही या एज्युकेशन फील्डमध्ये कार्यरत आहोत, आणि आत्ता या क्षणाला जर पाहिला की संस्थेमध्ये 32,000 विद्यार्थिनी आत्ता शिक्षण घेत आहेत, आणि त्यातले जवळपास 8,500 विद्यार्थिनी कॅम्पसमध्ये राहून शिक्षण घेत आहेत। तर अशा प्रकारची आमची छोटासा एक उपक्रम आम्ही या महर्षि कर्वे संस्थेच्या अंतर्गत चालवतो, शैक्षणिक संस्था, आणि या आजच्या अनन्याला जे आम्ही उद्घाटन केलं आहे त्यात अनेक उपक्रम आहेत, मुलींच्याकडनंच मुलींनीच प्लॅन केलेले असतात आणि मुलींद्वाराच केले जातात, तर ते खूप सुंदर पद्धतीने त्या मुलींनी केलेले आहेत। आम्ही सर्व पालकांना आणि मुलींना आम्ही आमंत्रण करतो या कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने पाहावं, आणि 3-4 दिवसाचा हा कार्यक्रम असतो, या कार्यक्रमात सगळ्यांनी आमच्याबरोबर राहावं। धन्यवाद। मी डॉक्टर संजीवनी शास्त्री इथे डीन अकॅडमिक्स म्हणून काम करते आहे। गेल्या 12 वर्षापासून मी इथे काम करते आहे, आणि ही जी नर्चरिंग ब्रिलियन्स स्कॉलरशिप आहे त्याची मी कोऑर्डिनेटर आहे। इथे जी स्कॉलरशिप देण्यात येते त्यासाठी ते कमिंस इंडिया लिमिटेड ही त्या विद्यार्थिनींचं पहिले ॲप्टिट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते, आणि त्यानंतर पर्सनल इंटरव्ह्यू घेऊन दरवर्षी 10 विद्यार्थिनींना यामध्ये सिलेक्ट करण्यात येतं। त्या स्कॉलरशिप अंतर्गत इथे त्या विद्यार्थिनीची जी काही फी असेल त्यांच्या कॅटेगरीप्रमाणे ती पूर्ण फी त्या व्यतिरिक्त एक लॅपटॉप त्या विद्यार्थिनीला देण्यात येतो, आणि दरवर्षी 3,000 रुपयेपर्यंत स्टेशनरी चार्जेस पण यांना देण्यात येते। त्यासाठी कंडिशन अशी आहे की विद्यार्थिनी 60% वर मार्क्स प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये घ्यायला हवे,
एकदा सिलेक्शन झालं की त्या विद्यार्थिनींना पूर्ण चारही वर्ष ही स्कॉलरशिप मिळते. त्याचप्रमाणे इथे जी मेंटरशिप आहे ती कमिन्सचे जे मोठे ऑफिशियल्स आहे ते त्या मुलींना मेंटरशिप करतात आणि पूर्ण चार वर्ष त्यांना मदत करतात. ही स्कॉलरशिप नागपूरला फक्त कमिन्स इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्येच देण्यात येते. या व्यतिरिक्त अहमदनगर, फलटण, जमशेदपूर, इंदोर आणि पितमपूर आणि पुणे ह्या गावांमध्येच ही स्कॉलरशिप देण्यात येते. जिथे कमिन्सचं काही एस्टॅब्लिशमेंट आहे तिथे ही स्कॉलरशिप देण्यात येते. धन्यवाद. नाना जन के साथ ही कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में सभी छात्राओं के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ की सभी छात्राएं खुद को इस महाविद्यालय का हिस्सा होने से सौभाग्यशाली समझती हैं। इस समय छात्रवृत्ति प्राप्त सभी छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. नमस्कार, मैं आर्या उरकुड़े हूँ, फर्स्ट ईयर की कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, और हम यहाँ पर आज कमिन्स CIL प्रोग्राम के लिए उपस्थित है. ये CIL प्रोग्राम में क्या होता है कि कॉलेज 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. इसके लिए सब ऐसे प्रॉपर टेस्ट वेस्ट होती है, तीन स्टेजेस में टेस्ट होती है. पहले तो एप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होती है. एप्टीट्यूड में मतलब सिलेक्ट करते हैं जो जो एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करता है. फिर उससे भी और एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो CIL की तरफ से हमारा ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है. तो उसमें भी सिलेक्ट होते हैं काफ़ी लड़कियां, और उसके बाद सिर्फ 10 बेस्ट रिजल्ट्स जिनके आते हैं एप्टीट्यूड और जो पर्सनल इंटरव्यू देता है, उनमें से 10 लड़कियों को सिलेक्ट करके उनको ये स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है. तो स्कॉलरशिप में ये होता है कि अब सबकी जो जितनी भी एनुअल फीस है सारे ईयर्स की, वो उतनी पूरी कमिन्स प्रोवाइड करता है, प्लस एडिशनल लैपटॉप भी देता है ताकि हम ऑनलाइन कोर्सेज सारे कुछ कर सके. और इसके बाद क्या होता है ना कि जैसे कि अभी हमें कंपनी में प्लेस्ड होना है, तो उसके लिए लैपटॉप वाली स्किल के अलावा भी और सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है. जैसे हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, जैसे हमें बाहर जाकर कनेक्शंस बनाने आना चाहिए. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ कमिन्स हमसे करवाता है, हमें ट्रेन करता है, और हमेशा ये ध्यान में रखता है कि हम कमिन्स की लड़कियाँ ये सब बातों में एक्सेल कर पाए और सबसे आगे हाईलाइट हो. और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं चारों सालों के लिए, और इसका क्राइटेरिया ये होता है, ये स्कॉलरशिप 4 साल तक मेंटेन करने के लिए ना हमें 60% के ऊपर तक अपना स्कोर मेंटेन करना होता है बस. और हम बहुत खुशनसीब है कि हमें ये स्कॉलरशिप मिली है, एक बैक सपोर्ट मिला है, और ये सही में एक मोटिवेशन की तरह ही है. सो थैंक यू. माई नेम इज़ रुचा इंगले एंड आई एम सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. I recently got Cummins India Limited scholarship, and actually I belong to a middle class family and I need this scholarship as I have a younger brother who is currently studying in class 12th. So I have to see for him as well. My parents have to see for him as well as for me. So it was very difficult to pay fees of his and mine together. So I was in very much need of Cummins India Limited scholarship, and I thank college for giving me this opportunity and Cummins India Limited Foundation for giving me the scholarship. Thank you. Okay, so criteria behind that was minimum salary of my father should be, or else my annual income should be minimum maximum 6 lakhs, and there was one aptitude test first which was held by online mode, and after aptitude my personal interview was taken, that was also on online mode. Namaskar, mera naam hai Anushka Kahate aur main ek third year C student hu. तो आज हम सब यहाँ पर CIL के स्कॉलरशिप इवेंट के लिए उपस्थित हुए थे, जिसमें 10 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी. और इसका क्राइटेरिया कुछ इस हिसाब से था कि हमें 10th, 12th और हमारी अभी तक की सारी सेमेस्टर्स में 60% से अबव चाहिए था. एनुअल हमारी जो फैमिली इनकम होती है वो 6 लाख के अंदर अंदर चाहिए होती थी. और उसके बाद हमें पहले सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ा, उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ के बाद वो एक स्टूडेंट्स को कुछ शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जिसमें वो हमें स्कॉलरशिप देते हैं, हमारा पूरा कॉलेज का एक्सपेंसेस उठाते हैं, उसके बाद हमें मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है. इन सब के बाद वो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पर वगैरह ये सब क्लासेस लेकर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई करते हैं. तो CIL स्कॉलरशिप मिलना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, हम सब के लिए जिन सबको चांस मिला है ये सब स्कॉलरशिप पाने का. तो फिर मैं अपना थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी को जिसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी. थैंक यू. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डेबरे की रिपोर्ट.